दीघा में आए पर्यटकों को चेतावनी जारी की गई है कि वे गहराई में ना जाएं और साथ ही समुद्र तट में भी ना जाएं। बंगाल की खाड़ी में बने तेज हवाओं के कारण दीघा की समुद्री लहरें तटीय सड़क से टकरा गई है। निम्न चाप और तूफान के कारण दीघा का एक हिस्सा पानी से भर गया है। समुद्र तट पार करते ही दीघा की सड़क समुद्र के खारे पानी में डूब गई। दीघा में कम से कम 35 होटलों में समुद्र का पानी घुस गया। प्रशासन सूत्रों के अनुसार बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन से ही समुद्र का रूप बदल गया है। यहां तेज हवाएं चल रही हैं और पानी तट को पार करते हुए सड़क पर आ गए। होटलियर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि ओल्ड दीघा में कम से कम 35 होटलों में पानी भर गया है। इस बीच होटल के एक मंजिल के जलमग्न होने से पर्यटकों को परेशानी हो रही है। पर्यटक दहशत में आ गए हैं। हालांकि एसोसिएशन ने दावा किया है कि उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन ने दीघा में आए पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे किसी भी गार्ड वॉल के निकट ना जाएं। सूत्रों के मुताबिक पर्यटकों को समुद्र में नहाने से भी मना किया गया है। लोगों को फिलहाल समुद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। निगरानी के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। प्रत्येक घाट को बंद कर दी गई है ताकि कोई भी उच्च ज्वार के दौरान समुद्र में ना जाए। इससे पहले यश तूफान के कारण दीघा शहर भी इसी तरह समुद्र के पानी से भर गया था। हालांकि कुछ पर्यटक इस मौके पर आनंद लेते हुए नजर आए, लेकिन हर ओर पुलिस की चेतावनी भी जारी है। দাদা একটু বলুন তো, দোকানপাটের ব্যবসা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। তারপরে মানুষজনের খুব আনন্দ করছে যারা ছুটির আসছে, কিন্তু যাদের হচ্ছে ব্যবসা তারা কিন্তু একটু মানে ক্ষতির মধ্যেই একে আশঙ্কা এর মধ্যেই রয়েছে যে হচ্ছে এত যদি জল বাড়ে আমরা ব্যবসা করবো কী করে, সব কাস্টমারদের খাবার দাবার দেবো কী করে, সব নিচে তলায় হোটেলে জল ঢুকে গেছে।